बट एडवेंचर या KTM के बाइक में आप स्टॉक्स आउट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये होगा बहुत YouTube में आई गेस एक या दो जन ने ही ये वीडियो बनाया है, डोमिनर वर्सेस एडवेंचर 390। और हमारा बाबाईदा, वन एंड ओनली बाबाईदा, हमारा नया बाइक लिया है बाबाईदा का आज। हाँ, आज देखेंगे कौन सा मतलब आगे निकल सकता है शॉर्ट टाइम में, मतलब इतना लॉन्ग नहीं खींचेंगे, शॉर्ट ही है। इधर से वो टर्निंग में हमारा भाई एक रहेगा। ये है कितना BHP बाबाईदा? 40 BHP बाइक से। हाँ, और मेरा है 44 BHP ट्यून है, सो उसका थोड़ा एक BHP आप लोग बढ़ सके, बट मैंने टेस्ट नहीं किया है। एंड ये गाड़ी पूरा कितना किलोमीटर चल चुका है भैया? 18,000। और इधर है मेरा 30,000। तो गाड़ी और हमारा जो राइडर वेट है ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड बाबाईदा भी आज फुल गियर अप होके आया है। मैंने भी शूज़ वूज जैकेट नहीं पहना, बट ग्लव्स व्लव्स लिया है। सो सेफ ये सब सेफली कीजिए। और हमारा एक भाई उधर है एंड वो उधर से रेडी होगा, वो उधर ऐसे ट्रैफिक देखेगा। एंड बाबाईदा का ये बाइक मतलब नाजू बाइक। गाइस, ये वीडियो फटाफट होगा बिकॉज इतना हमको खाली रास्ता नहीं मिलता है और हमको बंद करना पड़ेगा ट्रैक्शन कंट्रोल। ठीक है, रुको, मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना पड़ेगा। रुको, इजीली एडवेंचर 390 जीत चुका है। एंड गाइस, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बहुत मार्जिन से हम जीत चुके हैं। क्या हुआ बाबाईदा? सो गाइस, राउंड वन में मैं 1, बाबाईदा 0। ठीक है, बट बाबाईदा का थोड़ा मतलब लॉन्च गलत हो गया। हाँ, बिकॉज वो देखो, तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है 400 cc बाइक, सो इतना हैबिचुअल होना में टाइम भी लगेगा। बट मतलब बहुत गैप है, ऐसे डोमिनर पे इतना गैप नहीं आता है। हाँ, वो मतलब आगे का चक्का लिफ्ट हो गया था और बाबाईदा भी शॉक। राउंड 2 देखो, और बाबाईदा पीछे। और एक इजी विन एडवेंचर 390 के लिए। मतलब क्या बोल सकते हैं, KTM को ट्रैक में कोई हरा नहीं सकता भाई, KTM को कोई हरा नहीं सकता। फाइनल राउंड थोड़ा क्लियर है। अरे यार, रो, प्रथमे थकी। ओके, और बाबाईदा को मैंने स्टार्ट दिया, बाबाईदा को मैंने लीड दिया था, बट एडवेंचर का पावर तो आप लोग को पता है। तुमको मैंने लीड दे दिया था। ना, इस बार आप मैंने आपको लीड दिया था, थोड़ा लीड में दिया था, मैंने मतलब लेट करके थ्रॉटल दिया, उसके बाद भी निकल गया। तो गाइस, आप लोग, हाँ, ये जस्ट एक ऐसे टेस्टिंग था। हाँ, तभी प्रॉपर वीडियो होगा, बट बाबाईदा का भी बाइक नया है, सो थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा। एंड भाई, कौन जीता? वो जीत गया।
तो मुझे ये पता चला कि 0 to 100 डोमिनर से इसको ओवरटेक करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई गेस जो मतलब लॉन्ग रन होगा, लॉन्ग रन में शायद डोमिनर आगे जैसा, बिकॉज इसका लिमिटर नहीं है शायद, बस का थोड़ा लिमिटर का ये होता है, बट एडवेंचर या KTM के बाइक में आप लोग को पता है कि इसका लिमिटर होता है। एंड एक बार बाबा दा थोड़ा साउंड सुना दीजिए, एकदम झक्कास वाला साउंड, थोड़ा न्यूट्रल व्यूट्रल करके, ओ स्टॉक साउंड भाई साहब, जिंदगी में और क्या चाहिए। हाँ मजा नहीं लाइफ। सो गाइस इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, आप लोग को एक शॉर्ट एंड ड्रैग रेस दिया, आई होप आप लोग को अच्छा लगा। एंड राइड्स अच्छे से सेफली ये सब कीजिए, हम लोग ने थोड़ा ऐसा मतलब हमारे पास ऐसा जगह नहीं है, दैट्स व्हाई थोड़ा ऐसे जगह पे किया, ऐसे जगह पे करना रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से, बोल देता हूँ रिकमेंडेड नहीं, बिकॉज देख सकते हैं ऐसे रास्ते में बच्चे आ जाते हैं। सो ये थोड़ा रिक्स लेके हमने किया, बिकॉज हमको एक ऐसे एक शॉर्ट फन के लिए करना था, ऐसा कुछ बात नहीं था। और बाइक दोनों ही अच्छे है, अच्छा बाइक है, ये भी टूरिंग के लिए अच्छा है, ये भी ये टूरिंग के लिए अच्छा है, ये आपके ऊपर है आप कहाँ पैसा डालना चाहते हैं। हाँ एंड बाबा इडा को न्यू बाइक के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड राइड सेफ गाइस, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ एंड वेयर अ हेलमेट, बाय बाय एवरीवन।